2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Hello everyone, मैं हूँ मेघा, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं देसी कपल ऑन द गो और हम लोग हैं अभी हमारे लिविंग रूम में क्योंकि हमारी स्पेन कैनरी आइलैंड की ट्रिप खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट 10 days पहले खत्म हो चुकी है और टोटल जो हमारी ट्रिप प्लस क्वारंटीन टाइम है वो पूरा 25 days का हो चुका है. इसका मतलब है कि हमारी कार टेस्ला कार भी ऑलमोस्ट 25 दिनों से पार्क है और वो चार्ज नहीं की है. जैसा हम लोगों ने आपसे पूछा था हमारे कम्युनिटी पोस्ट में कि क्या आप लोग चाहते हैं कि हम एक वीडियो बना के आपको दिखाएं कि जब हम लोग अपनी कार को ओपन करेंगे 25 दिन के बाद उसमें कितनी बैटरी बचती है. और आप लोगों से कई लोगों ने बोला था कि यस वी शुड मेक दैट वीडियो, तो आज हम लोग वही करने वाले हैं. अब चलते बाहर जहां हमारी कार पार्क्ड है. वैसे आज नेदरलैंड्स में स्नोफॉल होने वाला है. बहुत बार स्नोफॉल का प्रेडिक्शन होता है नेदरलैंड्स में बट स्नोफॉल बहुत रेयरली होती है. बट आज स्नोफॉल है ऐसा प्रेडिक्शन तो है, तो इसका मतलब यह है कि ठंड भी बहुत ज्यादा होगी. अब चलते हैं, जैकेट पहनते हैं एंड देन वी विल गो आउट. लेट्स वेयर आवर जैकेट्स. यस. So now, let's go! बटन जी बंद कर लेते हैं. हमने हमारी गाड़ी स्मार्टली पार्क करी थी. स्मार्टली कैसे पार्क करी थी वो हम पहुंच के बताते हैं. और घर से बाहर निकलने से पहले ही क्योंकि इतनी ठंड हो रही थी हमने गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल सेट कर दिया है, सीट हीटिंग भी ऑन कर दी है, तो अंदर बैठ के वापस से गर्मी लगेगी क्योंकि ठंड तो बहुत हो ही रही है, आपको बता दिया है. बिटवीन एक क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारा फ़ोन डेड हो जाता है अगर 2 दिन हम चार्ज नहीं करें, तो क्या हमारी गाड़ी भी बैटरी डेड हो जाएगी? लेट्स चेक दैट आउट. तो ये खड़ी है हमारी गाड़ी और ये है यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन. तो चार्जिंग स्टेशन जैसे आपको बताया था हमारे पिछले वीडियो में भी, तो 2 places हैं जहाँ पे आप खड़ी करके चार्जिंग कर सकते हैं. What we did smartly was कि हमने 3rd position पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी. तो जैसे ही ये जगह खाली हुई हमने हमारी कार यहाँ पार्क कर दी. तो अगर हमारी बैटरी फुली डेड भी हो जाती तो स्मार्टली हमारा वायर जो है, जो उसका केबल है वो इतना लंबा है कि वहाँ से यहाँ तक आराम से चार्ज हो जाता. सो दैट इज़ हाउ वी पार्क. छोटी सी ट्रिक है बट अच्छी ट्रिक है. अब चलते हैं कार के अंदर और चेकआउट करते हैं कि कार में कितनी बैटरी बची है और क्या क्या चीज़ें और नहीं आ गई हैं. आ गए हैं कार के अंदर और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि बाहर था टेम्परेचर 4 degrees और फील लाइक तो -1 था. वैसे यहाँ दिख भी रहा है 4 degrees बट अंदर है 20 degrees और दोनों सीट हीटिंग भी ऑन कर दिया है तो मस्त सीट भी गर्म है. टेस्ला की बैटरी कितनी ड्रेन आउट हुई है, दैट्स द बिग क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर. और उसके लिए फिर से ये बड़ी स्क्रीन तो यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं तो और बड़ा दिखने लग जाता है. 53% बैटरी हमारी बची है. 100% तो हमने चार्ज भी नहीं किया था इस टेस्ला को क्योंकि टेस्ला भी बोलती है डोंट चार्ज इट 100%. तो हम लोग जब यहाँ पार्क करके गए थे तब 75% ये कार चार्ज थी और 3 weeks 25 days अप्रॉक्सीमेटली 3 weeks में 22% इसकी बैटरी ड्रेन आउट हो गई है. तो पर वीक अगर मान के चले तो अप्रॉक्सीमेटली 7% पर वीक ड्रेन आउट हो चुकी है. वैसे आप चाहें तो 100% भी चार्ज कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट दैट्स व्हाट टेस्ला रिकमेंड्स. तो ओवरऑल 22% बैटरी ड्रेन आउट इन 3 weeks 25 days. गाड़ी ऑन है और यूज हो रही है और हमने पूरा हीटिंग सिस्टम ऑन कर रखा है तो ऑलरेडी 1% और ड्रेन आउट हो गई है. बट नेवरदलेस
अभी बात करते हैं कि ये क्या है. तो ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट जो आया था जब हम 25 डेज के लिए यहाँ पर नहीं थे, तब सॉफ्टवेयर अपडेट आया था जिसे हमने अपडेट कर दिया था अपने मोबाइल से ही. तो सॉफ्टवेयर अपडेट क्या है, क्योंकि ये जो कार है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कार है, तो इसे आप अपने जैसे आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है या आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है जिससे आप एक न्यूअर वर्जन पे आ जाते हैं, सिमिलरली ये कार क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो इसमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और आप एक न्यूअर वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं और न्यूअर वर्जन पे आने से नए फीचर्स आ जाते हैं. तो ये तब हुआ जब हम यहाँ नहीं थे और हम हमारे क्वारंटीन टाइम में थे. तो इस 25 डेज के अंदर एक नया सॉफ्टवेयर आया और उसे हमने अपने ऐप के थ्रू अपडेट कर दिया तो उससे नए फीचर्स आ गए. और ये जो बता रहा है स्क्रीन, ये बता रहा है कि इस सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको क्या क्या न्यू फीचर्स मिल गए. तो कुछ तो बहुत ही फनी है और मज़ेदार भी है. जैसे सॉलिटेयर गेम आपने खेला होगा, बचपन में मैंने खूब खेला है. तो ये कार्ड्स का नया गेम आ गया है और सुपर चार्जर के डिस्प्ले कई इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं. तो ये पूरा एक समरी आ जाता है कि आपके सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद इस कार के अंदर क्या क्या नए फीचर्स आ गए हैं. सी, ड्राइविंग विजुअलाइजेशन इम्प्रूवमेंट हो गया है. पहले यहाँ पर सिर्फ 3 ही थे, अब यहाँ 4 फीचर्स आने लगे हैं. तो डिस्प्ले भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है. तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है इन अ समरी इज़ रिटन डाउन हियर. ये कार 52% चार्ज है तो कितने किलोमीटर्स जाएगी, ये क्वेश्चन अगर आपको है तो उसके लिए वेरी सिंपल, यहाँ पे क्लिक करिए, डिस्प्ले पे जाइए, लेट्स स्क्रॉल इट डाउन और एनर्जी डिस्प्ले पे डिस्टेंस पे क्लिक कर दीजिए, जो कि मेरे से अभी गलती से वो अपने आप ही हो गया. और फिर यहाँ पे जब जाएंगे तो दिख जाएगा कि 260 किलोमीटर्स ये कार जा सकती है. तो 52% पे 260 किलोमीटर्स ये कार आराम से ड्राइव कर सकती है. बार बार मैं जब आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक एरर आया है. इस एरर में लिखा है USB डिवाइस malfunction. तो इसका मतलब क्या है, टेस्ला में एक मोड है जिसका नाम है सेंट्री मोड. सेंट्री मोड क्या होता है, जब आप अपनी कार को पार करके जाते हैं तो उसके आसपास जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो टेस्ला रिकॉर्ड कर लेती है. जैसे CCTV होता है, CCTV सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स रख लेता है, वैसे ही सेंट्री मोड को अगर आप ऑन कर देते हैं तो इसके जो कार के आसपास के कैमराज हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके आसपास का जो भी एक्टिविटी हो रहा है, कोई अगर आपकी कार को ब्रेक इन करना चाह रहा है या कोई आपकी कार को बम कर देता है या उसके आसपास घूम भी रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं और वो एक USB डिवाइस में स्टोर हो जाती है या एक हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती है. तो जो हमने हार्ड डिस्क इसके अंदर लगाई थी, जो कि हमारी एक पुरानी सी हार्ड डिस्क थी, वो malfunction हो गई है. क्योंकि हो सकता है उसका वायर ढंग से नहीं लगा हो, वैसे पुरानी थी तो इट्स डेफिनेटली पॉसिबल कि वो करप्ट हो गई हो. तो उसका एरर आ रहा है कि हमारी जो हार्ड डिस्क थी वो करप्ट हो गई है. तो वो हार्ड डिस्क कहाँ लगी रहती है, वो लगी रहती है इसके अंदर. अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हार्ड डिस्क लगी है, वैसे तो लाइट चल रही है बट आई गेस ये हार्ड डिस्क ना बहुत पुरानी है, एटलीस्ट 11-12 साल ये पुरानी हार्ड डिस्क है. जब मैं इटली में थी तब खरीदी थी. तो ये हार्ड डिस्क करप्ट हो चुकी होगी इसलिए उसका एरर आ रहा है, क्योंकि पहले भी करप्ट हो गई थी तो मैंने फॉर्मेट करके इसके अंदर लगा ली थी. बट दैट्स वॉट इट इज़. बट अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में बताऊं इस मोड को और कैसे वो फुटेज को रिकॉर्ड करता है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन. तो फिर मैं और डिटेल में बताऊंगी कि सेंट्री मोड क्या है, कैसे ऑन कर सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है. बैटरी आखिर इतनी ड्रेन आउट हो क्यों गई, तो मेजरली उसके 4 रीज़न है, एटलीस्ट हमारी कार के लिए तो ये 4 रीज़न्स थे. फर्स्ट, हम इसके ऐप को बार बार ऑन कर रहे थे और चेक कर रहे थे उसका कितना बैटरी बचा है और दूसरे फीचर्स को भी चेक कर रहे थे. तो उससे जो कार है वो बार बार वेकअप हो रही थी और फिर थोड़े देर बाद स्लीप में जा रही थी. जैसे सिमिलरली आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है या आपका लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, उसे आप बार बार ऑन और ऑफ़ करेंगे तो उसका बैटरी थोड़ा ड्रेन आउट हो जाता है. तो इसलिए इस कार का भी थोड़ा बैटरी इस रीज़न से ड्रेन आउट हो गया. सेकेंड रीज़न है सॉफ्टवेयर अपडेट. मैंने आपको दिखाया था एक नया सॉफ्टवेयर आया था, उसे हमने अपडेट कर दिया था. तो जब हम हमारे मोबाइल ऐप को ऑन कर रहे थे हमारे बैटरी को चेक करने के लिए, तब आया था एक नोटिफिकेशन कि आपका एक नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड आ गया है. तो व्हाट वी डिड इज़ वी थॉट लेट्स इंस्टॉल इट. हमने इंस्टॉल कर दिया और वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड को होने में पूरा 30 मिनट्स लगा. तो हमारी गाड़ी वेकअप हो गई और इसलिए बैटरी ड्रेन आउट हो गई पूरे 30 मिनट्स, क्योंकि यूज़ होता रहा वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने में. थर्ड रीज़न था सेंट्री मोड को ऑन रखना. सेंट्री मोड को ऑन रखा तो सारा जो फुटेज है वो रिकॉर्ड होता रहा जैसे ही कोई कार के आसपास आया, तो इसलिए भी उसका बैटरी उसको रिकॉर्ड करने में यूज़ हो गया और ड्रेन आउट हो गया. और फोर्थ है
वेदर, ठंडी का मौसम है, ठंडी में ऑलरेडी बैटरी ज़्यादा ड्रेन आउट होती ही है. तो फोर्थ जो रीज़न है वो है ठंडी, और बहुत ठंडी थी इसलिए बैटरी भी जल्दी जल्दी ड्रेन आउट हो रही थी. टू कंक्लूड, हर वीक में 7% बैटरी ड्रेन आउट हुई है. इतने सारे फैक्टर्स होने के बावजूद सिर्फ 7% अगर बैटरी ड्रेन आउट हो रही है सो इट्स नॉट दैट बैड. अगर आपकी बैटरी 100% भी ड्रेन आउट हो जाती है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप टेस्ला को कॉल कर सकते हैं और वो आपकी हेल्प कर देंगे वापस चार्ज करने के लिए. अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो जो कि हमने इस वीडियो में आंसर नहीं करा, या टेस्ला से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. हाँ, उस क्वेश्चन के आगे लगा दीजिएगा #DCTesla, तो हमको इजी होगा फाइंड आउट करने के लिए. और फिर हम एक अलग से Q&A वीडियो कर देंगे स्पेसिफिकली फॉर टेस्ला, जिसमें हम आपके सारे जो भी डाउट्स हैं वो आंसर कर देंगे. हम लोग आपके साथ एक फ़नी बात शेयर करते हैं. बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे इस टेस्ला को एक नाम दे दें और इस सॉफ्टवेयर में उसको सेव कर दें, और इसमें सेव करेंगे तो अपने आप सारे मोबाइल ऐप में भी सेव हो जाएगा, और फिर इस टेस्ला को कहीं पे भी रेफ़र किया जाएगा तो इस नाम से रेफ़र किया जाएगा. बहुत सोचने के बाद अल्टीमेटली वी वर एबल टू फाइंड आउट कि इसका नाम क्या होना चाहिए, और इसका नाम है बगीरा. अगर आपने जंगल बुक देखी है तो आपको पता होगा ये कैरेक्टर जिसका नाम है बगीरा. जैसे बगीरा मोगली का उसके हर एडवेंचर एक्टिविटी में उसका साथ देता था, वैसे ही ये टेस्ला हमारा साथ देगी हमारे ट्रैवल एडवेंचर में. तो लेट्स सेव दिस नेम हियर ऑन दिस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट एज बगीरा. लेट्स सेव इट. तो अब हो गया है इस टेस्ला का नाम बगीरा. और वैसे मैंने कभी भी, और सौरभ ने भी कभी भी किसी गाड़ी का नाम नहीं रखा है. इट्स फनी एज वेल, बट वी थॉट व्हाई नॉट, लेट्स कीप इट अ नेम एंड दिस इज बगीरा. और बगीरा था ब्लैक पैंथर, और ये गाड़ी भी है ब्लैक कलर की, तो इट परफेक्टली सूट्स. 2:30 हो गया है दोपहर का, मगर 2 बजे से स्नोफॉल का फोरकास्ट था, बट कोई सीन नहीं है फिलहाल स्नोफॉल का यहाँ पर, बट वेदर बहुत ही फ्रीजिंग हो रहा है. तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो जरूर बताइएगा. टेस्ला 2021 में इंडिया में लॉन्च होने वाली है, और अगर आप टेस्ला लेने का सोच रहे हैं इंडिया में, या आपके पास टेस्ला ऑलरेडी है बाहर, या बाहर लेने का सोच रहे हैं, दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जब आप गाड़ी पार्क करते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, गाड़ी की बैटरी कितनी ड्रेन होती है, और आप कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि जब आप वापस आएँ अपने ट्रिप से तो गाड़ी आपको चार्ज मिले. और आपको कोई और भी क्वेश्चन हो टेस्ला के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, प्लीज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, यूज #DCTesla. और बहुत हवा चलने लगी है, होपफुली स्नोफॉल भी हो जाए, बट नेवरदलेस आपको ये वीडियो कैसा लगा वो तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में. बट इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली और व्हाट्सएप और फेसबुक सब जगह शेयर जरूर करिएगा. लाइक करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे फॉलो करिए. इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है देसी कपल ऑन द गो, और फेसबुक पे है शेड्स ऑफ मेग्स. और अगर आप सोच रहे हैं कि स्पेन ट्रिप के वीडियोस कहाँ गए, वो आते रहेंगे. बट सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय.